राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में 13 मार्च की रात को बजरी माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर मनीष पालीवाल की निर्मम हत्या के बाद राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता से समाजजन और परिजन संतुष्ट नहीं है, लेकिन अब पीड़ित परिवार की मदद के लिए भी हाथ उठने लगे हैं। समाजसेवी नीरज सिंह राणावत ने पीड़ित परिवार के प्रति संतावना जताते हुए 51,000 रुपये आर्थिक सहायता और मृतक मनीष के पुत्र की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही राणावत ने कहा कि वह पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मनीष पालीवाल की श्रद्धांजलि सभा में नीरज सिंह राणावत की ओर से यह घोषणा की गई। पीड़ित परिवार को 44 श्रेणी पालीवाल समाज की ओर से भी 15,01,000 की मदद दी गई। नीरज सिंह राणावत ने बताया कि 12 तारीख को मनीष उनके साथ था और उन्होंने रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया था। 14 तारीख को जब उन्होंने सुना कि मनीष की निर्मम हत्या कर दी गई तो वह स्तंभ रह गए। राणावत ने कहा कि मनीष की कमी तो परिवार में अब पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वह कुछ सहायता कर परिवार के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं और भविष्य में भी वह परिवार के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार रहेंगे। 13 तारीख को जो हमारे छोटे भाई मनीष पालीवाल जी की जो रेत माफिया द्वारा हत्या की गई है, उस घटना से मैं पर्सनल तौर पे इतना आहत हुआ हूँ। 12 तारीख को मनीष मेरे साथ ही रंग पंचमी का त्यौहार जैसे श्याम जी के बाबा में हमने साथ मनाया, और 13 तारीख को ये घटना जब हुई और 14 को मुझे पता लगा तो मैं स्तब्ध रह गया। ये मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है ये घटना हुई। मैं उनके परिवार के साथ हमेशा जुड़ा हूँ, जुड़ा रहूँगा, और एक आर्थिक संबल देने के लिए मैं उनके परिवार को 51,000 रुपये नगद और जो छोटा बच्चा है उसकी पढ़ाई का संपूर्ण, जब तक वो पढ़ना चाहेगा बच्चा, उसका पूरा खर्चा मेरे द्वारा उठाया जाएगा। इसके अलावा भी उनके परिजनों को किसी भी चीज़ की कैसी भी कोई भी सहायता